नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं देखिए आज आपको ये सिक्स क्लास का साइंस का चैप्टर है भोजन क्या क्या आता है। तो भोजन में क्या क्या आते हैं ये हम पढ़ाने वाले हैं। मनुष्य का पोषक तत्व, तो मनुष्य का पोषक तत्व क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन, ये हमारे क्या है? पोषक तत्व हैं, है ना। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सबके बारे में, थोड़ी थोड़ी जानिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोटे अनाजों में मिलते हैं, जैसे आपको चावल हो गया, है ना, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, आपको आलू हो गया, है ना, ये सब में क्या मिलते हैं आपको? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। वसा किस मिलते हैं? वसा तेलीय पदार्थ मिलते हैं। वसा किस मिलते हैं? तेलीय पदार्थ जो भी आप खाते हैं, है ना, उसमें वसा मिलते हैं। यानी घी आप खाते होंगे उसमें आपका वसा जो है ना 99% वसा रहता है घी में, है ना। फिर दूध आप पीते हैं उसमें जो मलाई निकलता है उसमें भी वसा रहता है। ये नहीं समझिए कि जिस जो तेलीय पदार्थ हो उसमें वसा मिलते हैं, है ना, जान गए। प्रोटीन, प्रोटीन किस में मिलते हैं, बात को समझिएगा। प्रोटीन आपको दूध में मिलते हैं, है ना, प्रोटीन आपको दाल में मिलते हैं, बात समझ में आई। ये सभी जो है दलहनी पौधे हैं, दलहनी जो दाल हो, है ना, उस सब में क्या मिलते हैं? प्रोटीन मिलते हैं। अंडा में प्रोटीन मिलता है, मांस में मिलता है ना, ये सब में क्या मिलते हैं? प्रोटीन मिलते हैं। गाइस, खनिज लवण किस में मिलते हैं? जितनी भी आप सब्जी खाते हैं ना, सब्जी, उन सभी सब्जियों में क्या मिलते हैं? खनिज लवण मिलते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद विटामिन, विटामिन किस में मिलते हैं? फल फ्रूट जितने भी खाते हैं ना उसमें क्या मिलते हैं? विटामिन मिलते हैं। जितने भी फल खाते हैं आप, जो फल फ्रूट खाते हैं, है ना, उसमें क्या मिलते हैं? विटामिन मिलते हैं। आइए दोस्त फिर समझाते हैं आपको। कार्बोहाइड्रेट हमारे, है ना, शरीर के लिए तत्कालिक ऊर्जा देता है। हमें ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, है ना। वसा क्या काम है? हमारे शरीर में जो भी आंतरिक कार्य होती हैं, है ना, उनको स्मूथ करता है, है ना, और हमारे फैट वोट जो होता है ना उसे वसा का कारण ही होता है। और क्या करता है? आंतरिक जो भी पार्ट्स है हमारे बॉडी के, है ना, उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है वसा, है ना। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमें शरीर के हमारे क्या ग्रोथ करता है, है ना, वृद्धि और विकास काम करता है, ठीक है। और चलिए खनिज लवण क्या करता है? हमारे जो शरीर में जो खनिज लवण का काम क्या है, है ना, ये हमारे आवश्यक पोषक तत्वों में भी ये भी आते हैं खनिज लवण, है ना। और चलिए विटामिन जो है हमारे अंग जो होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? अंग। ये आपको प्रोटीन, सॉरी, ये विटामिन, मतलब जितने भी बीमारियां होती हैं आपको, वे सारी बीमारियों को, है ना, जितनी बीमारी होती है वो किसी ना किसी विटामिन के कारण ही होता है। जैसे सपोज देख लीजिए, रतौधी विटामिन की कमी से होता है ना, एस्कॉर्बिक बीमारी विटामिन सी कमी से होता है, बेरीबेरी, है ना, विटामिन बी कमी से होता है ना, रिकेट्स बीमारी जो होता है विटामिन डी कमी से होता है ना, ये सारी जो बीमारी होती है किसी किसी ना विटामिन की कमी से ही होता है। तो इसीलिए विटामिन का क्या काम है? हमारे शरीर को रोग मुक्त करना, है ना। कार्बोहाइड्रेट की जांच हम कैसे करेंगे? एक खाद्य पदार्थ जो भी लीजिएगा उस पर आयोडीन के बूंद अगर डालिएगा, है ना, और आयोडीन के बूंद डालने पर अगर उसका रंग जो है नीला या काले में बदल जाता है, कैसा? नीले या काले में बदल जाता है ना, तो आप जानिएगा कि वो खाद्य पदार्थ में क्या है, है ना, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट को ये मंड बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, राइट, बात समझ में। तो आयोडीन क्या है? आयोडीन जैसे आपको नमक उमक आता है ना जी, नमक, आप जो आयोडीन नमक खाते हैं और आपको आता है, क्वेश्चन आता है कि आयोडीन कमी से कौन सी बीमारी होता है? गलकंड होता है, घेगा रोग होता है, व्हाइट रंग होता है, उसी का नाम है सब, है ना। तो ये नमक में ही आयोडीन रहता है और आयोडीन ऐसे आपको अवेलेबल भी हो जाएगा, ठीक है। समुद्री शैवालों से हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अगर जिस खाद्य सामग्री में आप क्या करते हैं नीले या काले रंग हो जाता है आयोडीन डालते हैं, तो समझिए कार्बोहाइड्रेट है। और खाद्य सामग्री में हम प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे? तो देखिएगा, कॉपर सल्फेट, क्या है इसका नाम? CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट और NaOH, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या अगर बूंद दे, है ना, खाद्य सामग्री को देखिए, अगर ठोस है तो पेस्ट बनाइएगा। कोई खाद्य सामग्री अगर ठोस है तो पेस्ट बनाकर उसको जांच करनी होगी। अगर आपका पेस्ट है, पेस्ट समझ में आता है ना, जैसे मतलब गीला हो जाए, पीस दिए, है ना, उसको पेस्ट बोला जाता है।
तो कॉपर सल्फेट का बूंद दो बूंद और है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 बूंद डालते हैं, तो इस पीरियड में अगर उसका रंग जो है बैगनी हो जाता है तो आप समझ जाइएगा कि इस खाद्य सामग्री में क्या है, प्रोटीन मौजूद है। तो बिल्कुल से आसान तरीका से आप जांच कर सकते हो, है ना, किसका, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, राइट, है ना। आइए चलते हैं, प्रोटीन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो प्रोटीन का खोज और प्रोटीन का नाम जो दिया था वो बर्जीलियस वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दिया था, बर्जीलियस, कब दिया था, 1883 में, ठीक है। और चलते हैं प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक नाइट्रोजन यौगिक है, क्या है, प्रोटीन एक नाइट्रोजन यौगिक है ना। प्रोटीन के पाचन के बाद किस बदलता है, जब प्रोटीन पचता है तो आपको बदल जाता है एमिनो एसिड में, किस बदलता है, एमिनो एसिड में, ये बदल जाता है एमिनो एसिड यानी अम्ल में, अम्ल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एसिड बोलते हैं, एमिनो एसिड बन जाता है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 20 प्रकार के पाए जाते हैं हमारे, है ना। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो हमारे प्रोटीन कमी से क्वाइसियोपर और मरास्मस दो बीमारियां होती है, है ना। और प्रोटीन के कमी से ही क्या होता है, कुपोषण रोग होता है, बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। और कौन बीमारी होती है प्रोटीन कमी से, क्वाइसियोपर और मरास्मस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है ना। गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल में बहुत सारे प्रकार का वीडियो है, 9th, 6th से लेकर के आपको 12वीं तक का वीडियो अवेलेबल मिलेगा, साइंस से लेकर के, है ना, और मैथ तक ही मिलेगा। और कंपटीशन का भी बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसका वीडियो बन रहा है, जा करके, है ना, प्ले लिस्ट में देखिएगा, है ना। गुड बाय।